एवरीवन, वेलकम बैक टू यूनिक किचन। मैं हूँ अर्चना। यहाँ पे मैं हर रेसिपी को बनाती हूँ बिल्कुल यूनिक वे से, लेकिन ट्रेडिशनल वे को फॉलो करते हुए। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहें। थैंक यू। आज की हेल्दी लड्डू की रेसिपी स्पेशली ग्रोइंग किड्स के लिए है, जिसे बनाना तो आसान है ही, ये खाने में भी उतने टेस्टी होते हैं। तो चलिए हम इंग्रेडिएंट जान लेते हैं। यहाँ पे हमें चाहिए घी 2 चम्मच, सफ़ेद तिल लगभग 100 ग्राम, पिसी हुई धागे वाले मिश्रे लगभग 100 ग्राम। अगर आपको ये अवेलेबल ना हो तो आप इसके जगह सामान्य चीनी पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं। 100 ग्राम मूँगफली, लगभग 100 ग्राम मखाने, 50 ग्राम काजू और बादाम, लगभग 4 से 5 हरी इलायची। लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक नॉनस्टिक पैन को गैस पे चढ़ा दिया है। जब पैन अच्छे से गर्म हो जाएगा, हम इसमें लगभग 1 चम्मच घी ऐड करेंगे। जब घी अच्छे से गर्म हो जाएगा, इसके बाद हम इसमें अपने मखाने ऐड कर देंगे। मखाने को अच्छे से रोस्ट करना है। इसे रोस्ट करने में लगभग 1 मिनट का टाइम लगेगा। मखाने को लो फ्लेम पे ही रोस्ट करिएगा। मखाने को हमने यहाँ भून लिया है, मखाने बिल्कुल करारे हो गए हैं। मखाना एक बहुत गुड सोर्स है कैल्शियम का, आयरन का, मिनरल रिच होता है, तो इसे हमें अपने डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए किसी न किसी फॉर्म में। यहाँ पे मखाने अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब हम इन्हें एक बड़े से बाउल के अंदर निकाल लेंगे। इसके बाद हम इसमें अपनी मूंगफली रोस्ट करेंगे। मैंने पैन को दोबारा गैस पे चढ़ा दिया है। पैन गर्म हो जाने के बाद इसमें हम अपनी मूंगफली को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। मूंगफली को आपको सूखे ही रोस्ट करना है। मूंगफली को भूनने में लगभग 2 मिनट का टाइम लगता है, तो मैं पहले मूंगफली को अच्छे से भून लेती हूँ। मूंगफली यहाँ पर अच्छे से भून गई है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। जब भी ठंडी हो जाएंगी तो इसके छिलके को उतार लेंगे। अगर आप चाहें तो छिलके के साथ भी इसको पीस के पाउडर बना सकते हैं। दोबारा एक बार फिर मैंने पैन को गैस पर चढ़ा दिया है। अब हम इसमें अपने सफ़ेद तिल को रोस्ट कर लेंगे। तिल को भी आप बहुत ही लो फ्लेम पे रोस्ट करिएगा। तिल को आप बहुत ही लो फ्लेम पे रोस्ट करिएगा ताकि ये जले ना। तिल को रोस्ट करने में लगभग 1 से 2 मिनट का टाइम लगता है। देख सकते हैं यहाँ पे तिल गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम गैस के नॉब को बंद कर देंगे और तिल को भी एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। सफ़ेद तिल कैल्शियम और मिनरल्स में बहुत रिच होता है। ये हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है, तो आप किसी न किसी फॉर्म में अपने डाइट में सफ़ेद तिल को ज़रूर इंक्लूड करिए। तिल को भूनने के बाद एक बार मैंने दोबारा पैन को गैस पे चढ़ा दिया है। अब हम इसमें लगभग 1 चम्मच घी ऐड करेंगे और जब घी अच्छे से गर्म हो जाएगा, हम इसमें ड्राई फ्रूट्स को भी ऐड करके अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स भी अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, गैस की नॉब बंद करेंगे। बादाम और काजू अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब हम गैस की नॉब को बंद कर देंगे। इन्हें भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पे मखाने रोस्ट होके तैयार हो गए हैं। मूंगफली का भी छिलका मैंने निकाल लिया है और तिल भी भुन के तैयार है। अब हम इन सब इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। बहुत बारीक पाउडर नहीं बनाना है, हल्का सा मीडियम में ही पाउडर को हमें प्रिपेयर करना है। ना तो बहुत मोटा होना चाहिए, ना ही बहुत पतला। तो नेक्स्ट प्रोसेस में पहले हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स के पाउडर बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने मसाला जार ले लिया है। इसकी साइज़ थोड़ी बड़ी होती है, जिसमें पाउडर बनाना थोड़ा इजी हो जाता है। अब मैं इसमें एक एक करके अपने सारे इंग्रेडिएंट का पाउडर बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैं मखाने को पाउडर करूँगी, तो मैं मखाने को जार में ऐड कर देती हूँ। मैंने मखाने को जार में ऐड कर लिया है। अब इसका मैं
हल्का सा दरदरा पाउडर बनाऊंगी। तो आप देख सकते हैं मखाना बिल्कुल दरदरा सा पिसके तैयार हो गया है। अब हम इसे एक बड़ी से बाउल में निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने मूंगफली का भी पाउडर बना लिया है। मूंगफली का भी पाउडर बहुत बारीक नहीं बनाना है, हल्का सा दरदरा ही होना चाहिए। नेक्स्ट इसी चार में हम तिल को भी ऐड कर लेंगे और इसका भी एक हल्का सा दरदरा पाउडर बना लेंगे। बहुत ज़्यादा अगर आप तिल को पीस देंगे तो तिल का ऑयल बाहर आ जाता है, तो पीसते समय रुक रुक के पीसिएगा, एक साथ लगातार नहीं मिक्सर को चलाना है। तो मैं इसका पाउडर बना लेती हूँ। आप देख सकते हैं तिल को भी मैंने पाउडर बना लिया है। बहुत ज़्यादा बारीक बिल्कुल नहीं करिएगा। अब मैं इसे भी सेम बाउल में ही निकाल लूँगी। इसके बाद आप चाहे तो जो ड्राई फ्रूट्स है आप इसको पीस के ऐड कर सकते हैं। मैं इसको ग्रेट करके ऐड करूँगी लड्डू के अंदर। यहाँ पे मैंने बाउल के अंदर तिल, मूंगफली और मखाने के पाउडर को ऐड कर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस पाउडर में अब हम कुटी हुई इलायची को भी ऐड कर लेंगे, साथ ही ग्रेटेड ड्राई फ्रूट्स को भी आप ऐड कर लीजिएगा। इसके बाद हम इसमें पाउडर्ड मिश्री या फिर पिसी हुई चीनी को भी ऐड कर लेंगे। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसे ऐड कर लीजिएगा। तो चीनी या मिश्री ऐड करने के बाद इसको मिक्स करना है। अपने हाथों को अच्छे से धुलकर सुखाकर अपने हाथों की सहायता से इस पूरे पाउडर को अच्छे से मिलाना है। अगर आप चाहें तो इस पाउडर के अंदर किशमिश भी ऐड कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। आप देख सकते हैं मैंने सारे इंग्रेडिएंट को हाथ से अच्छे से आपस में मिक्स कर दिया है। अगर आपको इसमें घी कम लगता है तो आप एक्स्ट्रा घी ऐड कर सकते हैं। मैं आपको दो तरीके बताऊंगी इस लड्डू को बनाने के, एक तो घी के साथ। तो पहले मैं घी के साथ आपको बना के दिखाती हूँ। ये मैंने 2 चम्मच घी और ऐड कर दी है और इसे हाथों से अच्छे से मिला लेंगे। मखाने की वजह से कभी कभी इस लड्डू में थोड़ा घी कम लगता है, आप चाहें तो थोड़ी सी घी की क्वांटिटी बढ़ा लीजिएगा और इसको अच्छे से मैश करके आप देख सकते हैं ये आपस में बाइंड होने लगा है। और अब हम इसे लड्डुओं का शेप दे देंगे। अगर आप घी के साथ इन्हें बनाते हैं तो आप आराम से 10 से 15 दिन तक इन्हें स्टोर करके रख सकते हैं। आप देख सकते हैं तिल, मखाने और मूंगफली विथ ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बन के बिल्कुल रेडी है। इन लड्डू को मैंने घी के साथ बनाया है। जो हमने मूंगफली, तिल और मखाने का पाउडर तैयार किया था उसके अंदर हम मावे को भी ऐड कर देंगे और फिर इसे अपने हाथों से अच्छे से मिक्स करना है। मैं अच्छे से आपको दिखा देती हूँ। ये लड्डू बहुत आसानी से बन जाते हैं और इसे आपको फ्रिज में ही स्टोर करना पड़ेगा। मावे की वजह से इनकी सेल्फ लाइफ थोड़ी कम हो जाती है। इनकी बाइंडिंग तो बहुत अच्छे से होती है, आप देख सकते हैं बहुत इजीली बाइंड हो जाते हैं। तिल, मूंगफली और मखाने को जो हम मावे के साथ लड्डू बनाते हैं तो इनकी बाइंडिंग बहुत इजी हो जाती है, ये आसानी से बन जाते हैं। तो आप ये तरीका बहुत इजी है इन लड्डुओं को प्रिपेयर करने का। आप एक हफ्ते के लिए इन लड्डुओं को प्रिपेयर करके अपने फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं और आराम से अपने बच्चों को सुबह शाम एक एक लड्डू दे सकते हैं। जो हमने अपने इंग्रेडिएंट से पाउडर तैयार किए थे उस पाउडर को मैंने यहाँ घी के साथ आपको लड्डू बना के दिखाया है और सेम पाउडर को मैंने यहाँ पे मावे के साथ भी शो कर दिया है। जो भी तरीका आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से अपने लड्डू को प्रिपेयर कर सकते हैं। मावे वाले लड्डू को आपको एक ग्लास जार में स्टोर करके रेफ्रिजरेटर में रखना होगा। अब मैं लड्डू की गार्निशिंग ड्राई फ्रूट्स के साथ करके इनकी प्लेटिंग करती हूँ।
आप देख सकते हैं प्रोटीन और कैल्शियम रिच लड्डू बनके बिल्कुल रेडी है। ये आपके ग्रोइंग किड्स के लिए बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है, इसे आप उनके डाइट में जरूर शामिल करिए। और अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।